आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इसमें मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़ाएंगे एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु -10 एवं 22 एक समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के सिरे हैं। यदि तीसरा सिरा 4-1 मतलब 4-1 है, तब चौथे सिरे का निर्देशांक निकालना इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या है, माना कि जो पी है, पी मान लेंगे हम क्या, ये पहला वाला -1 और 0, और Q का मान लेंगे निर्देशांक 2 और 2 ये रहेगा। R का मान लेंगे ये वाला तीसरे सिरे के, फोर्थ वाले का हम S वाले का XY मान लेंगे। तो हम क्या करना है, हमको क्या निकालना, मतलब X और Y निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये होता है जिसके विकर्ण आमने सामने बराबर होते। तो क्या होता है इसमें, हम एक ये सिरा हो जाएगा, एक ये सिरा हो जाएगा, एक ये और एक ये, चार सिरा होंगे। इसमें पहला सिरा है हमारे पास P पॉइंट है, ये P पॉइंट का सिरा है -1 और 0। फिर Q सिरा है जो वो है क्या, ये वाला 2 2, और फिर R है जो R वाला हिस्सा है इसका है 4-1 निर्देशांक है, और ये जो हो जाएगा ये किसके हो जाएंगे, S के हो जाएंगे। S का हम मान लेंगे क्या, XY, मतलब ये जो है ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभाजित करते हैं। इसलिए पी आर का मध्य बिंदु क्यू एस का मध्य बिंदु होगा। जो पी आर का मध्य बिंदु है, पी और आर का मध्य बिंदु है, वो क्यू और एस का मध्य बिंदु, पी और एस के लिए ये मध्य बिंदु होगा। तो ये जाएगा -1 0 4-1 2 2 और XY, ये रहेगा इसके बीच का हमारे पास हिस्सा रहेगा, जो कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते इसके विकर्ण। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, जो 0 और 1 वाला है, -1 और 0 है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारे पास, -1 + 2/2, 0 + 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वाला जो है, ये हो जाएगा 4 + x, मतलब ये जो एक दूसरे के विकर्ण है वो आपस में ऐड हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या होगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, ये जो है ये किस में जुड़ जाएंगे, इस वाले में जुड़ जाएंगे। तो पहला XY निर्देशांक है, अगर -1 है तो -1 का 2 में जुड़ जाएगा, तो -1 + 2/2 हो जाएगा। 0 में 2 जुड़ जाएगा, तो 0 + 2/2 हो जाएगा, ये पहला वाला। दूसरे के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला और ये वाला निर्देशांक को आपस में जोड़ देंगे। तो X का 4 के साथ में, तो 4 + x/2, और Y का -1 का, तो -1 + y/2 के साथ में करेंगे हम। इसमें आपस में दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला बचेगा -1/2, ये बचेगा 1, और ये हो जाएगा 4 1 + x/2, ये हो जाएगा -1 + y/2। तो इसको जब हम करेंगे तो आ जाएगा 4 + x/2 = 1/2, मतलब x के साथ में पहला वाला जो निर्देशांक है उसके इक्वल टू पहले वाला ले लेंगे, इस वाले निर्देशांक के साथ में ये वाला ले लेंगे, और इस वाले निर्देशांक के साथ में ये वाला ले लेंगे। तो हम पहले लेंगे 4 + x/2 = 1/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3। y-1/2 = 1 हो जाएगा, तो y-1 = 2, मतलब y = 3 हो जाएगा। तो जो फोर्थ सिरे का निर्देशांक है -3 और 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 और 3, मतलब डी इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी सिलाई को 12,500 रुपये में बेचा और उसे 20% की हानि हुई, सिलाई मशीन का लागत मूल्य क्या होगा, क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करें, तो हानि हमको दी हुई है 20% इसकी हानि दी हुई है। विक्रय मूल्य जो है बेचा हुआ है कितना है, एक व्यक्ति ने जो सिलाई मशीन को बेचा 12,500 में, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 12,500। तो चूंकि आपको मालूम है 12,500/x, मतलब जो हमारे पास में निकालना क्या लागत मूल्य है, तो इसमें विक्रय मूल्य अपॉन लागत मूल्य इक्वल टू जो हानि है अपॉन 100 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12,500/x मान लेंगे हम क्या, लागत मूल्य, तो अपॉन एक्स इक्वल टू हानि में हम क्या करेंगे, 100 में से 20% को माइनस करेंगे, तो 80/100 कर देंगे। इसका हम त्रिक गुणा करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 15,625, मतलब लागत मूल्य जो निकल आएगा कितना आ जाएगा, 15,625। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति पहले 12 मीटर पूर्व की ओर फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले दिशा निर्देश स्थानांक देखेंगे, यह है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये बना हुआ है। पहले क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो है 12 मीटर पूर्व की तरफ जा रहा है, तो ए बिंदु से पूर्व की तरफ जा रहा, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो बी पॉइंट तक कितना, 12 मीटर जा रहा है। बी पॉइंट से किसकी तरफ जा रहा है, दक्षिण की ओर, मतलब हमारे पास इसकी तरफ साउथ की ओर। तो हम क्या करेंगे इसको,
5 मीटर साउथ की तरफ लिख देंगे और इसके बाद इसको मिला देंगे ए से सी। तो ए से सी मिलाने के बाद एक हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार हो गया, तो ए से बी, बी से सी और ए से सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बेस और ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। तो आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर जो ये है इसका स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 144 प्लस 25 मतलब 169 हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 मीटर, इसमें कितनी दूरी हो जाएगी उसकी प्रारंभ बिंदु से 13 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81.6 मीटर लंबे एक तार से यदि 1.7 मीटर लंबाई वाले टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तार की लंबाई कितनी दी है 81.6 दी हुई, तो तार की लंबाई बराबर 81.6 मीटर। उसकी टुकड़े की लंबाई कितनी है 1.7 मीटर, तो ये हो जाएगा। तो टुकड़े चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, टोटल लंबाई को हम जितने टुकड़े हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 81.6 अपॉन 1.6 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 48 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 48, मतलब इसके 81.6 मीटर लंबे तार को अगर 1.7 मीटर की लंबाई के टुकड़े काटेंगे तो 48 टुकड़े होंगे, मतलब 48 टुकड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नीतू एक कार्य को 8 दिनों में कर सकती है तथा ऋतु उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती है, यदि दोनों उस कार्य को एक साथ करती हैं तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका मेथड देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या है, नीतू को कार्य करने में लगा समय कितना है 8 दिन है और ऋतु को उसी कार्य को करने में लग रहा है कितना समय 10 दिन। तो हम इसको क्या करेंगे, कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम LCM विधि का यूज करते हैं। तो नीतू का कार्य जो है 8 दिन लगते हैं, ऋतु को कार्य करने में 10 दिन लगते हैं, इसका अगर हम LCM निकालते तो इसमें आ जाता 40, तो 40 यूनिट कुल कार्य आ जाएगा। अगर हम 10 और 8 का अगर हम LCM निकालते तो 40 आता है इसका। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का एक दिन का कार्य निकालेंगे, नीतू का सबसे पहले निकालेंगे, तो क्या जो इसका LCM आया है उससे हम जो कार्य दिया था उसको हम समय दिया था उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो नीतू के लिए हम क्या कर देंगे, 40/8 क्योंकि 8 दिनों में लिखा हुआ था, तो 40/8 मतलब 5 यूनिट आ जाएगा। और ऋतु के लिए क्या करेंगे, 40/10 क्योंकि 10 दिन में कर रही थी वो काम, तो 40/10 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या है, दोनों को मिला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर हमारे पास इसमें आ जाएगा 4, इसका जो आ जाएगा ये आएगा हमारे पास इसमें कितना 5 यूनिट और इसका आएगा हमारे पास 4 यूनिट। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 8 × 8 = 40, तो मतलब इसमें आ गया हमारे पास 5 यूनिट, और इसको हम करेंगे कैंसिल 10 × 10 = 40, मतलब इसमें कितना आ जाएगा यूनिट 4 यूनिट। तो इसमें हमारे पास 4 यूनिट आ गया, इसको हम क्या करेंगे, ऋतु के लिए लिख देंगे 4/9 यूनिट। तो दोनों को जो मिला कार्य मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे तो 40/5 + 4 करेंगे, तो हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। तो हमारे पास 40/9 तो मतलब 4/9 तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा इसका आंसर 4 सही 1 4 सही 4/9 दिन। तो इसमें हम टिक लगा देंगे 4 सही 9/4/9 दिन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन है 4.89 × 10^-7 का सामान्य रूप क्या है। इसको हम सामान्य रूप में लिखेंगे, अगर 10^-7 लगा हुआ है तो -7 लगा है तो मतलब दशमलव के 7वें स्थान पे दाएं तरफ ले जाना पड़ेगा इसको। तो क्या करेंगे, पॉइंट फिर इसको हम क्या 6.0 लगाएंगे और 7वें स्थान पे इसको हम लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.00000489 मतलब 60 लगाएंगे, उसके बाद 7वें स्थान पे इसको रख देंगे, तो आ जाएगा 10^-7 और 7 स्थान रखने, तो इसको हम ये लिख सकते हैं आंसर 0.6 × 0 और इसके बाद 489 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x − ky = 2 और 6x − 2y = 3 असंगत है। k के किस मान के लिए समीकरण, दो समीकरण दिए हुए हैं, इसके मान असंगत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, पहला समीकरण क्या दिया है 3x − ky = 2 और 6x − 2y = 3, ये सेकंड समीकरण दिया है। असंगत के लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये वाला इक्वेशन चलती है, ये याद रखना पड़ेगा a1/a2 ≠ b1/b2 के। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 आपको मालूम है, a1 क्या हो जाएगा a1x और b1y, और ये इक्वेशन रहती है तो a1 = 3
बी वन और ए टू इक्वल टू हो जाएगा 6, और बी वन इक्वल टू हो जाएगा के माइनस किया जाएगा, और बी टू इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम इसको जब हम इसको रखेंगे तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के, तो 3 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस के अपॉन नॉट इक्वल टू के अपॉन 2, तो माइनस के इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन 6 सेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 1। के का जो मान रहेगा वो 1 के बराबर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग क्षेत्रफलों के सेंटीमीटर स्क्वायर में अंतर क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप तो इसका क्या होता है 4 इंटू साइड होती भुजा होता है इसका परिमाप का, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 44/4, तो मतलब 11 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो परिमाप अगर निकालना हो तो 4 इंटू भुजा फार्मूला होता है, तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा परिमाप अपॉन 4। तो क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ए स्क्वायर कर देंगे तो 11 × 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 121 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त के लिए, वृत्त की परिधि जो दी हुई है कितना दी हुई है 44 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 44 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसकी निकालेंगे डिवाइडेड 2 कर देंगे तो 7 मतलब हमारे पास इसमें आ जाएगा 2πr से करेंगे, परिधि क्या होता है 2πr होता है इसका फार्मूला, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है फार्मूला, ये त्रिज्या आ जाएगी r। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², इसमें हम क्या करेंगे पाई का मान 3.14 रखेंगे, आर 7 × 7 सॉल्व करेंगे इसको, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इस आ जाएगा क्या इसका वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर बताना है, इसके परिमाप और वर्ग का क्षेत्र बताओ, हम क्या करेंगे 154 माइनस 121, हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्र आया क्षेत्रफल 154 है,